तो मेरा सिर्फ ये मतलब था कि भाई हम जो ना किसी के साथ कोई लड़ाई कुछ नहीं करें, जो भी है कल को जो ना हमने सब ने एक साथ बैठना है और सुलह करनी है। पर ने देखे मेरे लिए इतना सोचा, अपने घर का एसी उठा के मुझे दे दिया है। नहीं मैं तो लाया। तैयबा तैयबा गई पल कर ली जा गया। क्या है? पल पल कर ली जा गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर वाफियत से होंगे और जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। और भाई अभी जो ना हम लोग अपना व्लॉग भी स्टार्ट ले रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं अम्मी के पास, नैना आदिल भाई साहब वहीं पर ही हैं। हमजा सबको सलाम कर दो। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप सब? कैसे हो आप? ठीक है भाई। और हमारे साथ अमीर भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो भाई हम सब चलते हैं वहाँ पे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजिम कर दें। देखें यहाँ पर जो ना दुआ को इसके अंदर पैक कर रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे दुआ को? दुआ को दुआ को कहाँ लेके जा रहे हैं? ना दुआ को अपने साथ लेके जा रहे हो? ठीक है, याद से आप लोगों को। ठीक है, बस अभी फिक्स होगी दुआ। होगी फिक्स। क्यों? मैं ठीक हूँ। और तबीयत से यार? आप ठीक हो? हम तो वैसे भी ठीक है। अच्छा अच्छा, अल्लाह करे। सब खैरियत है? सब ठीक, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक। अच्छा, चलो चलो भैया, हम अम्मा से मिलने थे और अमीर भी आया था ना अम्मा से मिलने, मिट्टी दाढ़ी। और जो ना सब आए थे, बस अभी हम लोग जो ना घर जा रहे हैं। हम लोग आए थे यहाँ से नेल कटर लेने के लिए स्टाफ पे, तो यहाँ से नेल कटर लेते हैं। और वो देखो छोटी सी कैब, देखें ये वाली, दिखाओ साफ देखो भाई, आ जाएगी मेरे को ये वाली है ना भाई, उसके परफेक्ट है, देखो कितने की। और भी हमजा जो ना जहाँ भी ज़्यादा बोलते हैं मुझे लाइट लेकर दे, उसको बहुत शौक है ना ये लाइट लेने का। बचपन में मुझे भी हुआ करता, अभी हमजा को भी बहुत शौक है इन चीज़ों को लेने का। हाँ भाई कितनी देर है, जल्दी करो। और क्या लेना है? जो नेल कटर ले लेना। हाँ तो बस जल्दी करो। हाँ बोल के आई थी अभी जो ना, तक 10-15 चीज़ें निकाल ली है। तो भाई बीवियाँ ऐसे ही होती हैं, एक चीज़ बोलती जब लेके जाओ फिर ये देखें इसका काम, जो चीज़ अच्छी लग रही ले रही है तो ये ऐसे ही करती हैं, कोई एक चीज़ बोलती है फिर जो ना घर भर के ले आती है सब कुछ। ये इसके काम देखें क्या है, क्या करोगे इसको? ये देखें हम ले लो ले लो। ब्लू वाला अच्छा है ना? कितने का है? कितने का है? दो, दोनों ही ले लो, दोनों एक साथ पड़ जाएंगे। ये देखें जो मेरी वाइफ ने चूज़ लिया थी, ये देखें इसके जो है इनको वो अच्छे ना। हाँ ये देखो, ये दाने भी नहीं खाएंगे, फ्री में पलते रहेंगे। ये तो वहीं पे खड़ा हुआ है बस। बीमार है वो। ता सा जीम अलिफ बा ता सा जीम अलिफ। इधर देखो ऊपर देखो, अलिफ बा बा ऊपर देखो, बा ता सा जीम अलिफ बा ता सा जीम अलिफ बा। इधर ऊपर देखो, ता सा जीम अलिफ। ये ले क्या है मेरा नहीं है। अच्छा पढ़ाई करो पहले, चलो बा ता हमजा सीधे होके बैठो, बा ता। एक मिनट यार, ऐसे नहीं बोलते हैं, कैसे मुझे चाहिए ऐसे नहीं करते। बने अलिफ बा ता सा जीम। पल कर ली जा गया। क्या है? पल पल कर ली जा गया, मैं जा रहा हूँ। नहीं चलो पढ़ो। थोड़ी देर अलिफ बा ता सा जीम। फिर बस खा जाना। अलिफ बा नीचे देखो फाजिल। हमजा आप भी पढ़ो ना, आप क्या कर रहे हैं? जी अलिफ अलिफ हमजा इधर देखो, ता सा जीम हा खो हा खो हा खो हा खो हा खो हा
हो बोले ना यार प्लीज बोले बोलते हो आएगा हा हा उसे बोले हा 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 बोले हो 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 और उसे बोले हो हो अब मिला गया हा हो हा हो बोले बोले हा बोले फिर खा बोले हा खा अभी तो आ रहे ना अभी तो आ रहे ना हा खा अच्छा अभी छोटे हैं काफ़ी लोग बोलते हैं इनके घर बैठा करो काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं बैठा करो तो मैं अभी बैठता हूँ ये अभी 4 साल के भी नहीं हुए छोटे छोटे हैं तो अभी इनको पता भी नहीं है तो ऐसा ऐसा जब सीख जाएंगे जब थोड़ा थोड़ा बोलेंगे फिर मैं चलो हट जाएंगे काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं बैठा करो ये डरेंगे हाँ वो बात ठीक है थोड़ा डरेंगे कर हिसाब से वो तो ठीक है लेकिन अभी शुरू में मुझे बैठना पड़ेगा क्योंकि अभी ये कारी साहब को तंग भी करते हैं इनको नहीं पता कि ये कारी साहब कौन है क्या है तो ये अभी जो ना मैं जा रहा हूँ कहाँ पर सितारा के घर पे और अभी मैंने वीडियो भी देखी जो कि साजिद भाई ने कुछ बोला है मेरे लिए कुछ बोला है तो भाई सबसे बेस्ट आंसर ये है आप किसी को कोई जवाब ना दो आप डायरेक्ट उसके घर पर ही चले जाओ जो मसला है वहीं पर सुलझ कर दो तो उन्होंने जो भी बोला मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ अपना मसला हल करके आ जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे जो ना क्या बोलते बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है मतलब उन्होंने भी किसी ने मुझे भी रोका था तो मैं वहाँ पे जाऊँगा मैं अपनी बात क्लियर करके आ जाऊँगा और जो होता है मसला होता है वो घर में ही बैठ के सॉल्व होता है यहाँ पे यूट्यूब पे तो मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ सारे मसले अच्छा अब इनके घर पे मैं आ चुका हूँ और तैबा नैना से जो ना नैना जो ना तैबा से वीडियो जनता को बताओ ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ आयत तैबा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मैं जा रहा हूँ बाबू जी ने कहा कि घर छोड़ दो मम्मा ने कहा मोहल्ला छोड़ दो आयत ने कहा कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो और भैया देखो इतनी हल्की है इसको बंदा ऐसे आराम से देखने वालों को भी चक्कर आ रहा होगा अभी मैं इसको छोड़ूंगा इसको चक्कर आएगा देखने वाले सबको चक्कर आएगा अभी आएगा ना चलो नहीं आ रहे मैं गिर गया गाइस तो ये देखे मुझे गाइस तो भाई ये देखे मुझे यहाँ पे चश्मा मिला है किसका ये मुस्तफा का मुस्तफा ये आपका है आपका है बहुत अच्छा है यार दिखता कुछ भी नहीं है सबके अंदर जो भी है लेकिन अच्छा है पर आया था अली को लेने लेकिन अभी कारी साहब चले गए क्योंकि आज इसने कुरान नहीं पढ़ा तो रात को जाते टाइम इसको ले जाऊँगा कल भी यहीं पढ़ता तो ये इनका कमरा देखे माशाल्लाह बहुत बड़ा है और ये इसी छोटा सा लगा हुआ है तो इनके कमरे में बिल्कुल कूलिंग वगैरह नहीं करता तो मैं जा रहा हूँ जो मैंने इसलिए था वो चलता है मैं तो नहीं चलाता मेरे घर पे इलेक्ट्रिक मतलब वो उसका मसला है ना बिजली का वो इनके घर पे देंगे जब तक ये यूज़ करते रहेंगे तो ये वहाँ पे रखेंगे खिड़की के पास और उसका पाइप वहाँ से निकाल देंगे वो भी ठंडा करता रहेगा तो अभी जाते हैं लेके आते हैं उसको अच्छा अभी तो ये रहा मेरा एसी और ये रहे डीडी भाई का थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो ये मेरे साथ चलेंगे पीछे उठा के बैठेंगे मैं बाइक चलाऊँगा ये अभी हम जो है इसको ऊपर ले फिर इसको अंदर ले जाएंगे थोड़ी देर तक थक गए ऊपर लेकर आते थे बहुत वजनी है ना अभी जो है मैं साजिद भाई के पास हूँ और मैंने जैसे आपको बताया था कि जो साजिद भाई ने वीडियो वो ऐसा था कि पहले वीडियो मैंने बनाई थी फिर साजिद भाई ने बनाई थी तो मेरा सिर्फ ये मतलब था कि भाई हम जो ना किसी के साथ कोई लड़ाई कुछ नहीं करें जो भी है कल को जो ना हमने सब ने एक साथ बैठना है और सुलह करनी है तो यही बात मैंने उनको जो ना चैनल पर जारी बात जो ना घसीटना भी नहीं चला था इसलिए मैं डायरेक्ट इनके पास आया इनके साथ बैठे और जो बात होती है ना वो बंदा आमने सामने बैठ के कर लेना तो कभी भी कोई लड़ाई कुछ भी नहीं होती तो किसी के कोई जितना बड़ा भी हो ना आप उसके घर पर चले जाओ तो वो आपको कभी कोई मार तो नहीं डालेगा तो किसी के पास आपका कोई मसला बनता है तो एक साथ सामने आमने सामने बैठ जाए तो सारा मसला हल हो जाता है मैंने भी वही किया डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पर आया सारे तो मतलब लड़ाई तो कोई थी ही नहीं ना तो बस वही बातें थी जो कि क्लियर की मैंने बोला मैं ऐसे ही बता रहा था क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप कुछ बोल नहीं रहे ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे तो साहब भाई ठीक है फिर ठीक है भाई राजी हैं हाँ ठीक अच्छा भाई तो अभी हम सब जो ना थोड़ा बाहर जा रहे हैं सितारा आयत और डीडी भाई और साजिद भी चलेंगे हाँ वो भी चलेंगे तो अभी हम थोड़ा सा पूरा दिन आउटिंग नहीं की तो अभी जा रहे हैं मैंने तो की है इसने नहीं की इसकी वैसे थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है इसको लेके जाएंगे थोड़ा टीका वीका लगवाएंगे तो अभी हम लोग जो सब बाहर आए हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए क्योंकि सितारा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उसके भी सर में दर्द था तो इसलिए हमने सोचा कि चलो आप बाहर चलते हैं बच्चे भी आए हैं
और हम दिल पर भाई की वजह से ठीक नहीं है, सब की ठीक नहीं, सिर्फ मैं ही ठीक हूँ इस टाइम थोड़ा सा। आयु आयत क्या हुआ? तैयबा तैयबा गई, तैयबा को हवा लेगी, हवा ज़्यादा नहीं यहाँ पर माशाल्लाह से, हवा बहुत चल रही है। इसके बाल देखें, अच्छा हमारी दुआ के दो बाल इसके पूरे बाल उड़ रहे हैं। हाँ क्या वॉशरूम, इसको आपने चैनी सिखा दीजिए क्या? ये ऐसे मुझे ची पाकूँ। आयत तैयबा वहाँ पे आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी थी सऊदीया में? बसबूसा कौन सा, कुबा वाला कौन सा वाला? नाम नहीं पता, क्या फ़ायदा। अभी हम लोग ने यहाँ से चाय वगैरह पी लिए और अभी हम सब यहाँ से निकलने लगे। मैं आया तैयबा, माय नेम इज़ चिंकी, चा चा चा। अभी तो अभी मैं आया हूँ घर पे और मुझे लेना यहाँ उठाना रिमोट, जो एसी का रिमोट था ना वो घर पे रह गया, तो उसको उठाते हैं फिर सितारा को देख के आते हैं। हमजा को भी लेके जा रहे हैं, हमजा के जो ना सर में दर्द है। और क्या हमजा? एक तो लाइट ही चलती है, एक तो मचल में चलता है। सर में दर्द है और क्या बुखार भी है? चलो आओ डॉक्टर के पास चेकअप कराते हैं। भाई इसको डॉक्टर के पास चेक कराते हैं, है भी सही है। अरे झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। बात नहीं जी, मैं मचल में दर्द करने लगा। अच्छा चलो आ जाओ फिर जो ना दवाई लेते हैं, आ जाओ। अच्छा अभी तो फाइनली जो ना हमारा एसी यहाँ पर चल चुका है। भाई मजा आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया बाबर का कि बाबर ने देखे मेरे लिए इतना सोचा, अपने घर का एसी उठा के मुझे दे दिया। नहीं मैं तो लाया था, मैंने तो जहाँ पे लगा था वो स्विच ही उठ जाता था, घर की बिजली नहीं ना उधर से। मैंने पहले पूछा, मैंने कहा बाबर पहले अपने घर पे लगाओ ताकि तुम लोग भी एसी के नीचे। उधर एक है, हम सब उसी पे जो ना सोते हैं अभी, तो ये वैसे भी इनका ये देखेंगे पंखा खराब हो गया, और ये भी नहीं चलता, और वो जो एसी ना वो भी छोटा सा है, और ये कमरा जो है डबल कमरा है, काम नहीं कर रहा है, ये कमरा जो है डबल कमरा है। तो मैंने बोला ये इसको यहाँ पे लगा रहे, चलो सामने लगा रहेगा ना, सुकून से सोते रहेंगे ये लोग, सुकून से सोएंगे अभी। चलो आज तो मजा आएगा। अभी पंखा चला दो, अभी कूलर देखना कैसे कमरे। चलो जो भी अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा है। अच्छा ये ऊपर बना हुआ प्यारा सितारा है हसीन। अच्छा सितारा अभी तबीयत कैसी है? अभी शुक्र है, ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। टैबलेट भी खाई है, फिर बाहर भी गए, और बड़ी बात है कि बाबर ने मुझे एसी भी दिया। बाहर तो बस एसी एसी चल रहा है ना, एसी एसी चल रहा है, रूम अब ठंडा हो गया। वैसे अभी ठंडा हो गया, मजे का बन गया। चलो अभी सुकून से सो जाना, तो बस मैं भी अभी घर जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है साहिब भाई, अल्लाह हाफिज। तो अभी हम घर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कल जो ना हम लोग घर आ चुके हैं, और हमजा को बुखार था हल्का हल्का, तो हम इसकी, हाँ पानी कहाँ से हो रही है, तो इसके लिए भी दवाई ले आए हमने। दवाई का है? हाँ इसकी दवाई ले, ब्रोफिन दी अभी फिलहाल के लिए, बाद में बोला कि कोई एंटीबायोटिक दे। आज का व्लॉग आपने देखा होगा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और मैं साहिद के घर इस वजह से गया था, मैं नहीं चाहता किसी के साथ लड़ाई हो कुछ हो, या हमारे मतलब जो लोग यूट्यूब देखते हैं वो हमारी वीडियो से जो ना परेशान हो, तो इस वजह से मैंने रिएक्शन भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया। रिएक्शन देना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से लोग जो ना अभी बोर हो जाते हैं, वो आते हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तो इससे पहले मैं हमेशा फ़नी अपने जो ना व्लॉग बनाया करता था कि लोग जो ना देख के थोड़ा अच्छे हों, तो मेरा फाइनल लास्ट था, उसके बाद अभी मैं नहीं दिया क्योंकि लोग जो ना फिर परेशान होते हैं। तो आज का बस इतना ही था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको इस ऐप का नहीं पता तो भैया स्नैपचैट में है बेबी वाला, तो मैं इसको एक दिन में एक वीडियो में एक बार ज़रूर ट्राई करता हूँ क्योंकि लोगों को ये अच्छा लगता है।